हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 430 रुपए की तेजी दिखाने के बाद बैक टू बैक गिरावट दिखा रहा है और अभी फिलहाल स्टॉक काम कर रहा है 406 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड अभी हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखा रही है। स्टॉक को हम बहुत नीचे से कवर करते आ रहे हैं, जब ये स्टॉक 120 पे चला करता था, लेकिन अब आप देखेंगे स्टॉक 360 रुपए के ऊपर आने के बाद इसी रेंज को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे 360 के ऊपर आने के बाद स्टॉक कहां तक की तेजी दिखाता है, 430 रुपए तक। फिर से हमें गिरावट दिखाई दी लगभग 360-370 के बीच में, फिर से स्टॉक ने तेजी की और इस तेजी ने ब्रेकआउट किया 430 के लेवल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 430 रुपए का लेवल था, इसको ब्रेकआउट होता है और ये ब्रेकआउट स्टॉक को ऊपर कहाँ तक लेकर के गया, ये देखिएगा लगभग 477 तक स्टॉक जाता है। फिर से स्टॉक में गिरावट होती है, फिर से ब्रेकडाउन करके स्टॉक नीचे आया, एक बार फिर से रेजिस्टेंस हुआ 430 पे, फिर आप देख सकते हैं सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 360 पे। यहाँ से आती स्टॉक के अंदर फिर से तेजी लगभग 430 रुपये तक की, और फिर आप देख सकते हैं गिरावट। यहाँ पर जो गिरावट हो रही है उसका सिंपल सा जो रीज़न हमें दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर टेक्निकली रीज़न की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 430 से एक रिजेक्शन यहाँ था और एक रिजेक्शन इसके पहले हमने यहाँ पर भी देखा था, और ये जो रिजेक्शन थे यही यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, और यदि यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये गिरावट एक बार फिर से स्टॉक को नीचे की तरफ कहाँ तक लेकर के जा सकती है, तो लगभग 380 या फिर 360 तक स्टॉक आपको फिर से एक बार गिरता हुआ दिखाई दे सकता है।